गुरुग्राम में फरीदाबाद रोड पर गवाल पहाड़ी में बने कूड़े के डंपिंग सेंटर को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। शनिवार को 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग गांव के ही मंदिर पर एकजुट हुए और बढ़ते प्रदूषण को लेकर पंचायत में एकजुट हुए बुजुर्गों ने निर्णय लिया है कि 1-5 सदस्य टीम बनाकर इस मामले में आसपास के 50 से अधिक गांवों को एकजुट किया जाए, क्योंकि इस कूड़े के ढेर से महज 1 या 2 नहीं बल्कि फरीदाबाद रोड से लगते 2 दर्जन से भी अधिक गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। जमीन का पानी जहर बनता जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नासूर बन जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले को लेकर पहले भी कई पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि पिछले कुछ साल पहले जो कूड़ा आ रहा था उसे रिसाइकलिंग करके नष्ट किया जा रहा था, उससे कुछ बचाव था। अब सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोगों ने इको ग्रीन नामक कंपनी को ठेका देकर रिसाइकलिंग का भी काम बंद कर दिया है। बंदवाड़ी प्लांट से पिछले 1.5 साल से कूड़े की रिसाइकलिंग हुई ही नहीं है, बल्कि कूड़ा हर दिन हजारों टन बढ़ता जा रहा है। 1 किलोमीटर दूर से भी कूड़े के पहाड़ को बखूबी देखा जा सकता है। कूड़े से निकलने वाला गंदा पानी सीधे जमीन के नीचे जा रहा है, जो हमारे पीने के पानी को भी जहर बना रहा है। नाम प्यारे नंबरदार बैठ। ये बताओ कि गांव में जो कूड़ा वहां पर इकट्ठा हो रहा है, उससे जो दूषित हवा हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या बहुत नुकसान हो रहा है? बीमार हो गए सब, बुखार हो गए सब, पानी गंदा होगा, पानी गंदा होगा, पानी पिया नहीं जाता, मच्छर ने खा लिए, सोन दे नहीं रात तू, खानो खान दे नहीं। लेकिन सरकार कह रही थी इसका कूड़े का रिसाइकल करेंगे, बिजली बनाएंगे, कुछ नहीं बन रहा है, बस बीमार है, सब बीमार है, बुखार चढ़ने लगे। हाँ, नुकसान बहुत है कूड़े से। गांव गवाल पहाड़ी ताराचंद, बताइए क्या दिक्कत है? हमारे वहाँ से पानी ले जाओ आप बोतल में, 2 बोरों से भर के, और दोनों बोरों का पानी टेस्ट करा लो, अब कितना पानी खराब है उसका। कूड़ा ज्यादा, कूड़ा बहुत, कूड़ा यहाँ से भरते वहाँ गिर जाते, वहाँ गिर जाते, वहाँ गिर जाते, चार रोड गिर रहा कूड़ा। यहाँ तक कूड़े की एक वो खान बना दी, वो तो जो जमीन उन्होंने लिए वो तो लिए ही लिए, लेकिन पूरी जमीन का बेकार कर दिया। कभी इधर रोड पे गिर जाते, कभी इधर गिर जाते, यहाँ कोई लड़ रहा तो वहाँ गिर जाते, वहाँ लड़ रहा तो वहाँ गिर जाते। बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी। हमारे पशु जो पशु 10 साल जिएगा वो 4 साल जीता, पशु मर जाते, दूध पिया नहीं जाता उसका, सब खत्म होगा मामला।